देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ चर्चित व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर्स में आपसे UPSI के इस आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इन वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा गया है चर्चित व्यक्तित्व में जो कि राष्ट्रीय से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, तीन में 5 लोगों के बारे में आज बात करूँगा। फिर धीरे धीरे हम आगे के पॉइंट्स पर बातें करते जाएंगे। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, जो पहला नाम है वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती कौन है? तो इनके बारे में लिखा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी 2021 से सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी नए MD के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। सिद्धार्थ मोहंती ने TC सुशील कुमार का स्थान लिया है, जो कि 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। तो आपने समझ लिया होगा कि यानी कि LIC के MD अब कौन हो गए हैं? सिद्धार्थ मोहंती। इसके पहले वो TC सुशील कुमार थे, जो कि 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो गए, और फिर 31 जनवरी के ठीक एक दिन बाद यानी 1 फरवरी 2021 को सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना, यानी LIC के MD बन गए। अगले व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी 19 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया। उसने गैरसैंण से प्रशासन किया और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की, जिसमें अटल आयुष्मान योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना और अन्य विकास परियोजनाएँ शामिल थीं। यानी कि सृष्टि गोस्वामी, जो कि एक 19 वर्षीय लड़की थी, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में वो उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और सृष्टि गोस्वामी के बारे में आपने जान लिया होगा। इसके पहले आपने सिद्धार्थ मोहंती के बारे में जाना है और दूसरे जो थी वो थी सृष्टि गोस्वामी। अब हम अगले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, नरेंद्र चंचल, जो कि एक बहुत ही महान भजन गायक थे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। धार्मिक गीतों और भजनों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित भारतीय भजन गायक नरेंद्र चंचल, जिनका 22 जनवरी 2021 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके कुछ लोकप्रिय भजनों में भजन का नाम है चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन नाम तिहारो, राम से बड़ा राम का नाम शामिल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप नरेंद्र चंचल के गानों को, इनमें से किसी न किसी गाने को ज़रूर सुने होंगे। तो उस महान भारतीय भजन गायक का 22 जनवरी 2021 में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ये आपसे UPSI में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला जो नाम है वो है वी शांता। वी शांता जो हैं प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थी, जिनका भी कि निधन हो गया। लिखा गया है प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की आयु में सीने में दर्द के बाद निधन हो गया। वह चेन्नई में अड्यार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन थी, जिसमें वे वर्ष 1954 में शामिल हुई थी। यह संस्थान सभी रोगियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर वी शांता, जिनका कि निधन 19 फरवरी 2021 को 93 वर्ष की आयु में हुआ, वो क्या थी? एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थी।
ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और वो चेन्नई के अड्यार कैंसर संस्थान के चेयरपर्सन थी और वो उसमें शामिल कब हुई थी, 1954 में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और है माता प्रसाद। माता प्रसाद जी के बारे में हम जानना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माता प्रसाद का 20 जनवरी 2021 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1988-89 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया और वर्ष 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और चर्चित व्यक्तित्व के हम और भी कई पार्ट लेकर के आएंगे, तो इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, बाय। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।